तो गाइस ये हमारा डे 3 है कुम्हराट में और हम सुबह उठ चुके हैं। आपको वेलकम बैक करते हैं एक अनदर ब्लॉग में और उसके अलग पार्ट में। आज हम जा रहे हैं कटोरा लेक, तो अभी त्याशा होने लगे हैं, मुंह हाथ में धो लिया, बाहर नाश्ते का वेट कर रहे हैं हमारे लिए। तो जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। ये यहाँ का व्यू है, ये ऊपर स्नो है और हम यहाँ पे नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं कि नाश्ता आए और हम यहाँ से बस निकलें। हम रेडी शेडी हो गए हैं और नाश्ता वगैरह कर लिया, हम जा रहे हैं ऊपर कटोरा लेक पे। लेकिन ये भाई कह रहे हैं मैंने जानी, मैं नहीं जाऊँगा कटोरा लेक पे। मैंने इसको डराया धमकाया है कि तुम्हें जाना है, नहीं तो यहाँ पे डंडे मारूंगा आके। कह रहे हैं मैं कुछ करता हूँ, कोशिश करता हूँ, करते हैं यार। अगर इसकी वजह से मेरा प्लान भी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल नहीं होगा यार, तू चल, अगर मेरा मैं थक गया तो मैं वापस आ जाऊंगा यार। ये नहीं बात, तो ये थकाना ही नहीं है, मैं वापस आ जाऊंगा। फिर आप मुझे कंधा पे बिठा के ऊपर लेके जाना। चल चल चल, एक बार तो चल तो सही यार, एक बार चल। ये हमारे होटल के भाई हैं, ये बहुत अच्छा हमें दे रहे हैं। जिया खाना नाम है इनका। ये हमें बहुत अच्छा हमें दे रहे हैं, क्या कहते हैं उनको, स्पेशल ट्रीटमेंट या जो भी है वो देने में ऊपर जाते हैं। तो हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, हम ट्रैकिंग कर रहे हैं और साथ साथ गाने गा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताकि हमें महसूस ना हो कि हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। साथ हमारे बिल्कुल प्यारी सी जो झील, जो पता नहीं कि नहर है, क्या कहते हैं यार इसको, नहर नहीं है, चलते हुए जा रही है। बहुत ही प्यारा साउंड आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा। और बस हम पहुंचने वाले हैं अपने बाकी टीम मेंबर्स के पास। हमारे साथ हमारा गाइडर भाई हैं, जो हम ये भाई, ये हमेशा हमारे साथ साथ रहते हैं, है ना, उनके साथ मेरी यारी होगी, यारी होगी है। हम इनको यार बना देते हैं। ये दोस्ती है, यारा यही दोस्ती है, जो किस्मत से जो मिली है। आगे क्या था, किस्मत से मिली है पता नहीं यार, जो आसानी से मिली है भाई। हाँ जी, आसानी से। तो मेरे साथ एक बहुत ही गंदे वाला स्कैम हो चुका है। यहाँ पे मेरे शूज के नीचे वाला जो हिस्सा सोल नहीं होता, वो टूट के पता नहीं किधर गिर गया। एक शूज का है ये देखें, एक शूज का नहीं है। और मैं इसके साथ ट्रैकिंग कर रहा हूँ, देख रहे हैं भाई का जज्बा। तो गाइज मैं काफ़ी हद तक ऊपर आ गया हूँ, बल्कि मैं अपने टूर गाइडर और तरह को बहुत ही ज़्यादा पीछे छोड़ गया हूँ, क्योंकि नज़र भी नहीं आ रहे। बहुत थक गया था टूर गाइडर, नहीं थका वो, कह रहा मैं उसके साथ आता हूँ आप जाओ। वो थोड़ा थक गया, मैं भी थोड़ा सांस ले लूँ, क्योंकि मेरा ना मसला आ गया है। आपको जैसे को पता है कि मेरा शूज़ का सोल टूट गया, तो टूर गाइडर कह रहा था कि भाई आपका शूज़ पूरा नीचे से फट जाएगा जब आप चलोगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पूरा ही पूरा पत्थरों वाला ट्रैक है कटोरा लेक का। तो वो कह रहे हैं मिनी कटोरा देख लो और वहाँ पे बोटिंग शोटिंग कर लो, साथ चलते हैं कुंड पांडा। तो मेरे एक और शूज़ पड़े हैं, वो उधर पड़े हुए हैं होटल में। तो अब देखते हैं क्या करना है, क्योंकि घोड़ा भी ऊपर नहीं जाता कटोरा लेक पे, बहुत पीछे है वो, बहुत ऊपर आ चुका। और सामने पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई है, अगर नज़र आ रही है आपको। और तलहा साहब वो पीछे काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ। बहुत ही कमाल मौसम, बहुत ही आला, बहुत ही बड़ी ट्रेकिंग बना दे रहा है भाई। अरे कहना क्या चाहते हो, बहुत साफ हवा है, बहुत साफ पानी है। आप लोग जरूर आइए एक बार, मेरे तो जूते का ना मसला था, तो मैंने ऊपर तक जाना था, लेकिन जूते का मसला आ गया। अगर यहाँ पे कोई पठान वाला मिल गया जो शूज़ देते हो ना किराए पे, तो ले लेंगे। अगर ना मिला तो फिर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं नहीं जा पाऊँगा यार। मैं उसी सिर्फ कटोरा देख देखने के लिए आया था, और मैं कुछ देखने भी नहीं आया था, जो बात है। हम तो उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए। क्यूटी क्यूटी, वेयर आर यू गोइंग? हेलो, व्हाट्स अप बॉय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मेरा जो है ना शूज के दोनों सोल एक साथ गए, बस कच्चे हो गए हैं। इतनी खतरनाक ट्रैकिंग है, देखिए पत्थरीले है ना, तो मुझे चुभ ही रहे हैं नीचे से, जिस वजह से मैं नहीं जाऊंगा भाई। पहले कुछ करें यार, जमाल भाई ओके, कुछ करें यार, मुझे लेके जाए ऊपर। आई विल ट्रेन को किसी समय ऊपर तक लेके जाता हूं। हां मुझे लेकर जाए, मेरे ऊपर देखना है। आ जाओ, कम ऑन। मेरे पांव में नीचे पत्थर इतने चुभ रहे हैं ना, लेकिन मैं फिर भी जा रहा हूं, सिर्फ मिनी कटोरा और कटोरा के लिए। पर आपको आने में लगेगा तकरीबन 45 to 1 hour, अगर मेरी स्पीड से आएंगे तो आपको मिल जाएगा 45 या 40 minutes।
क्योंकि मैं जल्दी आया हूँ बहुत, तो बहुत ही प्यारी ज़्यादा अलहमदिल्ला माशाल्लाह। ये देखें तो अभी तक तला साहब नहीं आए, वो बहुत ही पीछे हैं। मैं मेरे वो जो गाइडर थे वो भी आ गए थे, इधर ही गए थे वो। चलो भाई पक्के मिलते हैं जाके, और शूज़ का कोई बंदोबस्त करते हैं क्योंकि शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बस सर थैंक यू, बस बस ये था मिनी कटोरा लेक। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, मेरे साथ ना जमाल जा रहा है और ना ही तलहा जा रहा है, मेरे ऊपर टीम मेंबर्स गए हैं तो मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ अकेला ही। तो ये था मिनी कटोरा, ऊपर सुनने में आया सिर्फ 45 मिनट की ट्रैकिंग है, तो चलते हैं फिर। और एक खुशखबरी की बात है कि भाई शूज़ मिल गए, चाहे जैसे भी उनके मिल गए, ऊपर चलते हैं अब। तो शुक्र है शूज़ मिल गए, मैं ऊपर जा सकता हूँ। ड्रोन व्यू तो मैं आपको नहीं दिखा सका, लेकिन मैं ऊपर का व्यू दिखा सकता हूँ आपको। ये देखें बहुत ही माशाल्लाह प्यारी है, और आपके लिए एक ट्रिप है। अगर आपने मिनी कटोरा लेक तक आना है तो आप नॉर्मल कपड़े लेके आ सकते हैं, मतलब इतने गर्म नहीं। ऊपर जाएंगे तो हवा बहुत ठंडी होती जाएगी, ठंड बहुत लगने वाली है। और मैंने बेवकूफ़ी की है कि मैं पानी में गया हूँ, इसके मेरी पैंट पूरी गिली है, और बारिश यहाँ पर होती है जिसमें, तो मैंने साथ पकड़ा है रेनकोट। आप लोग भी ज़रूर लेके आइएगा, जिससे पूछा वो कहता है भाई बारिश ज़रूर होनी है ऊपर, तो रेनकोट लाजमी है। वो ऊपर कुछ लोग जा रहे हैं, उनसे मिलते हैं और उनके साथ ही करते हैं। मैं यहाँ तक तो खेला आ गया हूँ, चलो फिर ऊपर चलते हैं। थोड़ा थोड़ा सा व्यू मिलने लग गया, सुनने में आ रहा है यही है, चलो देखते हैं फिर। वैसे आपके लिए छोटी सी टिप है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लोग हाइकिंग ट्रैकिंग करने से पहले बोतल पीते हैं, पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, तो ये नहीं करना आप लोगों ने। आप लोगों ने क्या करना है, बोतल बिल्कुल नहीं पीनी, क्योंकि उससे क्या होता है आपको सांस लेने मुश्किल हो जाता है, मतलब आपको जल्दी सांस फूल जाती है आपकी। पानी क्या करना है, आपने साथ पकड़ लेना है, पीना ज़रूर है लेकिन बहुत ही ऐसा ऐसा, जैसे थोड़ी ट्रैकिंग कर ली 2 घूंट 1 घूंट ऐसा करके पीना है, एंड तक चलाएं पानी वो वाला। ये नहीं कि एक बार 1 घूंट में सारा पी लिया, नहीं ये नहीं करना आपने, आपने बिल्कुल ऐसा ऐसा पीना है, तो बेटा आपकी ट्रैकिंग बहुत ही अच्छी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं अभी चुकी है ना ट्रैकिंग, मेरे साथी मैं पीछे छोड़ चुका हूँ, तो मैंने कहा था बहुत पहले निकले और पीछे छोड़ के मैं बहुत आगे आ गया उनसे। एक बहुत ही छोटी सी टिप है, जितना आप अपने आप को, मतलब अपने आप की थकन फील करेंगे उतना आप थकोगे, जो बात है। मैं अपने आप की टांगों को बिल्कुल नहीं थकन दे रहा, मतलब मैं महसूस ही नहीं कर के मैं थका हूँ, यकीन माने इसमें मैं सबसे आगे। अपने सारे दो हमारे थे, मतलब टीम दो हमारे थे ना टूअर्स, दोनों टूअर्स को पीछे छोड़ के आया हूँ, जो मैं जो मेरे से आगे थे, आधा आधा घंटा पहले निकले थे। मैं भी रुका नहीं क्योंकि मेरे साथ कोई बोलने वाला भी नहीं है ना, तो मैं भी रुका भी नहीं, सिर्फ लोग मैं जाने के लिए रुक रहा हूँ। और मज़ा आ रहा है बहुत, बहुत ही मज़े की टिप, अच्छी टिप है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मोटे सोल नहीं होता जिसके शूज़ का, वो पहन के आइएगा, क्योंकि मेरे ना जो होते हैं ना पाँव, उसकी हड्डियों में दर्द होने लग गई, क्योंकि ये पत्थर चुप चुप गई, देख सकते हैं आप, सारा पत्थर ले रस्ता है, पत्थर चुप गया ना, मेरी हड्डियों में दर्द होने लगी है। तो आपने क्या करना है, मोटे सोल नहीं होते जिस शूज़ के, वो आप ले आए, आपके लिए बहुत ही आरामदेह और बहुत ही अच्छा सफर गुजरेगा। मेरे बिल्कुल पास ही आ गया, ये देख सकते हैं, ये देख, बस आप फील करें इस जगह की खूबसूरती, साउंड, हवा, पीस है भाई यहाँ पे, बहुत पीस है, बहुत पीस है, बहुत ही मज़े की जगह है। तो भी सी मज़ा आने लग गया हमें, ये देखें तो ऊपर जाके कितना मज़ा आएगा, मज़ेदार, बहुत ही मज़ा आने वाला है भाई, ओए होए। और मैं बिल्कुल सही ट्रैक पर चढ़ गया हूँ, मैंने लोगों से पूछा, मैं बिल्कुल सही ट्रैक पर हूँ, अकेला आया हूँ लेकिन सही ट्रैक पर चढ़ रहा हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है इतना, ना पीछे है कोई, एक दो पठान आगे गुजरे थे वहाँ से पीछे, तो उनसे पूछा, कह रहे बिल्कुल सही जगह पे हो आप। बादल नीचे आ गए हैं और हवा बहुत तेज चलने लग गई है, और हवा के साथ ना जो होता नहीं बारिश, मतलब जैसे पानी है साथ, हवा के साथ पानी है, बारिश नहीं हो रही ये साथ ये चल रहा ना, तो पानी हवा के साथ है, हाय मज़ा आ रहा है। थोड़ी टफ है ट्रैकिंग, मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल ही बहुत ही आसान ट्रैकिंग, नहीं टफ है ट्रैकिंग, ये पत्थरों वाली है ना, मज़ा भी आ रहा है लेकिन, क्योंकि अलग क्या बात है, लेकिन कुदरत देखें आप ऐसा, जैसे ये सारा आर्टिफिशियल है, ये देखें बहुत ही मज़े की व्यूज़ हैं, जो लोग नहीं आए
उनको मैं कहता हूँ कि आए एक बार जरूर विजिट करें यहाँ पे। थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा लें आप भी, क्योंकि आपका जिसमें हीटअप हुआ था तो ठंडा ना दें, हीटअप नहीं आने दें, क्योंकि आपको अगर ठंडा हो गया तो बहुत ठंड लगेगी आपको, फिर आपका दिल नहीं करेगा ट्रैकिंग करने का। तो आप जिसमें ज़रा हीटअप ही रहने दें कि फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी ट्रैकिंग में भी, और आपको सर्दी नहीं लगेगी इतनी, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। भाई फाइनली रीच्ड, यहाँ से हमने बस चढ़ना है तो कटोरा लेक आ जाएगी, बस कुछ लोग उतरे हैं, हम भी ऊपर चढ़े हैं और कटोरा लेक हमारी आ जाएगी। ये है कटोरा लेक, कटोरा लेक बहुत ही प्यारी, ऊपर ग्लेशियर भी अभी है, बर्फ भी है आपको देखने को मिल रही है, ये देखें। यहाँ पे आप फन के तौर पे बोटिंग कर सकते हैं और खाने पीने के लिए पकौड़े चिप्स और बोतलें वगैरह सारा कुछ मौजूद है यहाँ पे, तो यहाँ पे टेंशन लेनी है आप, इजी होके आए। मुझे तकरीबन यहाँ पे आने वक्त तकरीबन 3.5 से 3 घंटे मुझे लगे हैं ऊपर आने वक्त, जहाज बांडा से लेकर यहाँ तक 3.5 घंटे या 4 घंटे लगे हैं मुझे। तो देखें सामने ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और पानी नीचे आ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है भाई, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। मैंने तुम्हारी रंग ले आई है, इससे भी ऊपर है। इस तो मैं एक सबका पीक पे आ चुका हूँ, इसके कुमनाट वैली के, बहुत ही प्यारा मंजर आ रहा है यहाँ से, ये देखें मज़े का, आप भी आइएगा ज़रूर। तो गाइस अगर मैं इसको पीस ऑफ हेवन बोलूँ तो ये झूठ नहीं होगा, क्योंकि जितना यहाँ पे खामोशी और जितने यहाँ पे व्यूज़ है ना पहाड़ों की, और इस खास तौर पर कटोरा लेक का, ये देखें बादल मेरे सामने चल रहे हैं, तो सच कहूँगा मैं यहाँ पे बहुत ही मज़ा है। और जहाँ मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, क्योंकि मैं ऊपर आ गया, और यहाँ पे बहुत ही सुकून है, दिल को सुकून मिलती है, दिल को राहत मिलती है यहाँ पे। तो मैं कहूँगा कि आप लोग लाजमी आए, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, यहाँ पे बस होटल नहीं है, यहाँ पे आप रह नहीं सकते, आप लोग को खाना मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, एक बार ज़रूर आइएगा। तो गाइस थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, शायद मुझे स्नो मिल जाए, लेकिन सामने वाले पहाड़ों में तो स्नो बहुत है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, शायद स्नो मिल जाए मुझे। और चलो भाई इस तरह कोई स्नो नहीं है, इसी तरफ स्नो है सामने, तो हम नीचे चलते हैं, मैंने चाय और कटोरा का ऑर्डर लिया होगा, चल के खाते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी मुझे। तो कटोरा लेक पर आके हमने चाय पी, पकौड़े छोड़े खाए, थोड़ा मौसम इन्जॉय किया, पिक्स वगैरह ली, और उसके बाद थोड़ी बारिश होने लगी थी तो हम इधर ही स्टे किया थोड़ा। वैसे अभी ना यहाँ पूरी तूफानी बारिश हुई है, बहुत ही ठंड है, बहुत ही यहाँ पे हो गई है ठंड और बारिश, बहुत है, तो ना सारा ट्रैक ना स्लिप भी हो गया, शूज बहुत स्लिप कर रहे हैं, तो मैं ये बंदोबस्त करा के काम कर रहा हूँ, थोड़े बहुत टीम मेंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे और दोस्त भी हैं, तो देखते हैं कैसे जाना मिले। सो बेसिकली मैं यहाँ पे यही बता रहा था कि मैं जितना नीचे आ चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे जितनी पिसलन थी और जहाँ पे जितना बारिश की वजह से स्लिपरी हो चुका था, तो वहाँ पे भाई सबको एक टाइम पे मौत याद आ जाती है, जो हकीकत बात है। तो आपने यहाँ पर फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि लोगों को अपना यहाँ पर ख्याल रखना मुश्किल हो जाता है, लोग अपनी फैमिली का क्या रखेंगे, अगर आने तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आना है। मैं तो शुक्र है टूर गाइडर के साथ था, टूर गाइडर ने बचा लिया, मेरा खुद का पाँव बहुत गंदा स्लिप हो गया था यहाँ पर, अभी 2 बार बहुत गंदा स्लिप हुआ पीछे, क्योंकि मेरे शूज़ मेरे अपने नहीं है, थोड़े से खुले भी हैं मुझे, और इनकी ग्रिप भी अच्छी नहीं है, तो बस बचा गया अल्लाह मुझे। अब रखते हैं, अब चलते हैं गाड़ी, आपको अब सीधा जाके ना मिनी कटोरा लेक में मिलेंगे, क्योंकि इधर बहुत ख़तरनाक अब ट्रैकिंग है। मैं फाइनली मिनी कटोरा लेक आ चुका हूँ मेरे बिल्कुल पीछे, और ऊपर तो भाई क्या गंदी ख़तरनाक सिचुएशन बनी थी, डू और डाई वाली, भाई ने भाई हमें काबू किया, जो हमारे साथ आए थे उमर फारूक भाई ने, तो अगर वो ना होते तो मैं शायद स्लिप हो जाता, 5 बार स्लिप हुआ टोटल, और अभी यहाँ पे आया हूँ फाइनली। अभी हमने बोट बुक करानी है, बोट बुक करा के कटोरा लेक, ये मिनी कटोरा लेक हमने क्रॉस करनी है, उसके बाद फिर हमें जहाज पांडा। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि भाई हम बोटिंग करने लगे, तो बोटिंग का देखते हैं क्या किराया चल रहा है यहाँ पे। मेरे लेफ्ट पाँव के नीचे वाले हिस्से में इतनी शदीद दर्द हो रही है, उसमें सीधा वजन नहीं डाल रहा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी आपको बस थोड़ा सा रह गया, फिर हम जहाज बांडा के होटल में। भाई हमारी बोट आ गई है और यहाँ पे बोटिंग करके वहाँ पे जाएंगे दोबारा, जहाँ पे किनारा था, जहाँ पे पहले रुके थे, और फिर हमारी ट्रैकिंग फिर से स्टार्ट। अभी थोड़ा रेस्ट मिला था हमें। नहीं नहीं यार नहीं, कट्ठे जाना।
यार कितना अच्छा सीन है यार, मुझे दोस्त बोटिंग डन, अब ट्रैकिंग स्टार्ट। फाइनली भाई हम इधर आ चुके हैं, जहाज बांडा सेफ एंड साउंड, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। भाई बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था भाई ट्रैक, और ये मेरी समझ रहे हैं आप। तो हम अभी खाना पीना खाएंगे, बोन फायर वाला सीन है, और तो अभी थोड़ा आराम करते हैं। बहुत कमर थक गई है, बहुत ज़्यादा थक गई है। सुबह फिर ट्रैक है, एक बार हमने नीचे उतरना है, और आज मेरा इधर आखिरी दिन है, फिर उसके बाद घर। भाई यहाँ पे बोन फायर लगने लगा, बहुत ही मज़ा आएगा ये देखें। आज हम जा रहे हैं, सुबह के हो रहे हैं 5:30, इन्होंने उठा दिया सुबह सुबह के। भाई आज चलो 18-19 घंटे का सफ़र है वापसी की, वापसी का जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर, लेकिन जा रहे हैं। और कल मेरा आखिरी दिन, कल आपने देखा कटोरा लेके वगैरह सब कुछ देखा, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको सीरीज पसंद आई है ना मेरी नौतन वाली, तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब करना है। और ये तलहा भाई कुछ व्लॉग में गए थे, हाँ भाई किधर गए थे आप कुछ व्लॉग्स में? यार मैं बहुत थका हुआ था, मेरी सारी क्रैम्प पड़ गए थे, क्रैम्प पड़ गए थे। हमारे बैग से मैंने दे दिए उसको, खच्चर वाले को, खच्चर वाला खुद ही रहेगा नीचे। अब हम नीचे हुए तकरीबन 1.5 घंटा हमें लगा। हाँ यार हम बस अब निकले, और मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आप मैं कह रहा हूँ सीरीज पसंद आई तो आपने लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों को कर देना लाजमी। ओके फिर, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।